हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह और बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं देखे होंगे, जो देखे होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नहीं देखे है, और ज़्यादातर अब मुझे लगता है ये सब उड़ीसा में होता है लेकिन बाहर मुझे पता नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए वो लोग सब क्या कर रहे हैं और मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ, तो दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा उड़ीसा में बोलते हैं इसको पाड़ो छतु, जिसको पेडिस्ट्रो जैसे होता है ना, धान का, धान जो हो जाता है उसको कल्टीवेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो निकलते हैं उसका साइड में जो हम बोलते हैं नाड़ो जो बोलते हैं उसको, उसके ये में ये सब किया जाता है। तो देखिए कितना रखा हुआ है पेडिस्ट्रो, मतलब कि उसको रखा हुआ है धान का ये सब। तो इसमें क्या उगाया जाता है फ्रेंड्स, देखिए छत्तू, जो छत्तू है वो आप इंडोर भी होता है आउटडोर भी होता है, इसको कैसे कल्टीवेट करते हैं आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये पूरा देखिए कितना अच्छी तरह से सजा हुआ जैसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका एक बीज आता है, बीज को ये लोग डालते हैं, उसके बाद फिर से ऊपर से ये पेडिस्ट्रो डालते हैं, उसके बाद इसको ढक देते हैं 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के बाद उसको ऐसे हो जाता है, उसका मशरूम हो जाता है। मैं आगे आप लोगों को मशरूम भी दिखाऊंगी और थंबनेल में भी आप लोग मशरूम देखे होंगे। अगर जिस एरिया में भी ये सब होता है अगर, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये सब लोग मशरूम निकाल रहे हैं, कितना सारा ये लोग उगाए हैं। तो देखिए धीरे धीरे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए जहाँ जहाँ हुआ है मशरूम, ये मशरूम ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए वो निकाल रहे हैं, वो छोटा छोटा वाला आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि वो ऑलरेडी निकाल चुके थे जब हम लोग गए थे, तो इसलिए जो एक एक दो दो था उसको निकाल रहे हैं। तो देखिए ऐसे है मशरूम सॉरी ऐसे ही होता है और ये खाने में टेस्टी लगता है, ऑर्गेनिक है, कोई ये नहीं है जैसे बॉटम मशरूम होता है, ये वाला मशरूम भी बिल्कुल वैसा ही है फ्रेंड्स। और आप लोग जो खाए हैं और लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके एक एक दिखा रही हूँ जहाँ जहाँ हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर वो छोटे छोटे में भी हुआ है आप लोगों को दिखाया, हाँ अंदर है, आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका प्रोसेस किस किस को पता है और ये कौन ये सब देखे हुए है ऐसा, मतलब कि कल्टीवेट करना मशरूम उगाना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बीज भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कैसे इस मशरूम को ये लोग मतलब कि करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं, तो देखिए ये भी निकाल रहे हैं धीरे धीरे तो क्योंकि ऑलरेडी तो जो एक एक दो दो है उसको निकाल रहे हैं, तो आगे देखिए ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई ये नहीं है इशू नहीं है, क्योंकि वीडियो मतलब जो देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे तो भी देख लीजिएगा फ्रेंड, तो आप लोगों को आगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये लोग कैसे उसका बीज निकाल के इसको मतलब कि फार्मिंग करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आप लोगों को दिखा रही हूँ ठीक है। तो देखिए कितना सारा खेती मशरूम का कर रखे हैं लोग, इंडोर में भी करते हैं, मैं पहली बार ये सब देखी हूँ, मुझे भी पता नहीं था कि कैसे करते हैं, ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ से हम मशरूम भी लेके आए थे और इतना फ्रेश, मतलब कि क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये लोग ना यहाँ बैठ के उसका बीज निकाले, बीज ना बोतल के अंदर होता है, कोई कोई इसको ना मतलब कि फोड़ के निकालते हैं। और देखिए ये कैसे निकाले हैं बोतल के अंदर, उसका बीज है देखिए मशरूम का, ये कुछ किया जाता है उसको, उसके बाद इसको अंदर मतलब कि बीज ये करते, इस बीज को लेके ना मशरूम के लिए जो पेडिस्ट्रो के ऊपर ये कर देंगे और उसके बाद फिर से इसको ढक देंगे और ये कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी नया नया ऐसे अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगी, देखिए मशरूम भी लेके आ गया हमारे लिए ही ये। तो बाय बाय।